रामपुर की तहसील स्वार के उपजिलाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता ने राजस्व विभाग की टीम को साथ लेकर गोसीपुरा पट्टी कला के मन्नत स्टोन क्रेशर पर की छापामार कार्रवाई। उपजिलाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता और राजस्व विभाग की टीम ने मन्नत स्टोन क्रेशर पर नदी से लाए गए अवैध खनन के भंडारण की नाप तोल कर कार्रवाई की है और अग्रिम आदेश तक स्टोन क्रेशर का संचालन बंद कर दिया गया है। इस बड़ी कार्रवाई से खनन के धंधेबाजों और स्टोन क्रेशर स्वामियों में हड़कंप मचा। तहसील के प्रशासनिक अधिकारी अवैध खनन को लेकर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन अवैध खनन के धंधेबाज खनन करने से बाज नहीं आ रहे। इस बड़ी कार्रवाई से खनन के धंधेबाजों के हौसले पस्त हैं। रामपुर से फिरोज खान की रिपोर्ट। पर्टिकुलर मन्नत स्टोन क्रेशर है, उस पर मैं सुबह 4 बजे यहाँ से पट्टी चलने गया और वहाँ खनन के निशान दिखाई पड़े। उन्हीं के सहारे सहारे मैं मन्नत स्टोन क्रेशर के उसकी पैमाइश करा के उसकी जाँच करके जो स्टाक है उनका उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में था वहाँ, तो उसको उसका संचालन तत्काल रोकते हुए उसकी कार्यवाही के लिए बहुत ही सफल होगा। सूचनाएं मिली हैं सर, स्टोन क्रेशर पर लगातार अवैध खनन सूचनाओं पे ही कार्यवाही की। आज आपने पौधारोपण किया है खनन बचाने के लिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इसी उपलक्ष्य में मैंने वहीं पट्टी कला में गाँव में गश्त लगाए और इससे लोगों को ये संदेश देने को पर्यावरण नदी को सुरक्षित एक अवैध खनन। आपके द्वारा लगातार कार्रवाई हो रही है, बहुत सारे मुकदमे भी हो गए दरभंगा, उसके बारे में भी खनन माफिया नहीं रुका। हाँ, ये एक तरह से संघर्ष है सरकार जो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कम से कम, और जो माफिया हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही लगातार हमारी जारी रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि ये ना हो। ठीक है।